नमस्कार, आपका आर किचन में स्वागत है। आज हम अनोखी पनीर के सब्जी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ये हम अंडे से बनाएंगे। देखिए इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। एक बारीक कटा हुआ टमाटर, स्लाइस किया हुआ डेढ़ प्याज, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा इंच दालचीनी, दो लौंग, एक इलायची, आधा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आवश्यकता अनुसार तेल, छः अंडे। अब अंडे को हम एक गिलास में तोड़ लेंगे सभी को। देखिए इसी तरह से सभी अंडे तोड़कर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ऐसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। एक छोटा सा प्लेट में तेल डालकर अच्छे से ग्रीस कर दीजिए प्लेट को। इस तरीका से प्लेट को ग्रीस कर लेना है। फिर अंडा जो फेंट कर रखे हैं उसे डालकर इसे अब हम स्टीम कर लेंगे। इसे स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी गर्म करके एक स्टील का चलनी रख लिया है। आप कोई भी अपना हिसाब से बर्तन रख सकते हैं और उसके ऊपर में अंडा जो हमने प्लेट में डाले थे वो रख लेना है और ऊपर से ढक्कन लगा लेना है। देखिए हम 5 मिनट बाद आपको दिखला रहे हैं जो अच्छी तरह से नहीं पका है। 10 मिनट के बाद देखिए बढ़िया तरीका से पक गया है ये। आप एक चाकू लीजिए, इसके बीच में डालकर आप देखिए आपका चाकू एकदम क्लीन निकलेगा तो वह पक गया है। अब इसे निकाल लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ही इसे काटना है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें प्याज को उबाल लीजिए। प्याज उबालने से इसका ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। प्याज का पानी जो उबला हुआ रहेगा उसे फेंकना नहीं है, वह पानी उसी में डालना है ग्रेवी में ही। देखिए उबल गया है, उसमें से प्याज छान लेना है। अब अंडा भी देखिए ठंडा हो गया है, इसे पनीर के जैसे छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। देखिए हमने पनीर के जैसे काट लिए हैं। अब देखिए इसे निकाल रहे हैं। देखिए अच्छी तरीके से यह निकल जा रहा है। देखिए सभी निकाल लेना इसी तरीके से। कढ़ाई गरम कर लीजिए, एक चम्मच तेल डालिए। तेल को अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला दीजिए, कढ़ाई गरम होने दीजिए। अब सारे जो हमने अंडे का पीस काट कर रखे हैं उसे डालकर भून लेना है 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पे। इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लीजिए। दो चम्मच तेल डालिए कढ़ाई में और हमने जो खड़ा मसाला लिए थे वो सब डाल दीजिए, लौंग, इलायची, तेजपत्ता और जीरा। यह देखिए लाल हो गया है। अब इसमें हमने जो उबाल कर प्याज रखे हैं वो डाल देना है प्याज। अब प्याज का पानी फेंकना नहीं है, ग्रेवी में डालना है प्याज का पानी। इसे भून लीजिए लाल करके। देखिए धीरे धीरे 5 मिनट बाद यह प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए 2 चम्मच। इसे भी भूनिए, 2-3 मिनट भूनना है मीडियम आंच पे चलाते हुए। देखिए कढ़ाई तेल छोड़ने लग गया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भून गया है। अब इस समय हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर थोड़ा से चलाइए, फिर स्वाद के अनुसार अब हम नमक डालेंगे इसमें। अब मिर्च और जीरा पाउडर डालेंगे।
मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा खाते हैं वैसा। धनिया हल्दी डाल दीजिए और सभी मसाले को अच्छे तरीक़ा से भूनना है। चलाते हुए कढ़ाई में अगर चिपकने लगे तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, जब तक कि तेल नहीं छोड़े तब तक को मसाला भूनना है अच्छी तरीके से। और टमाटर भी गल जाएगा, देखिए अब तेल छोड़ दिया है 5-6 मिनट बाद। अब इसमें पानी डाल दीजिए, हमने जो अंडा फेंटे थे उस गिलास में पानी डालकर उसे धोकर डाल दिए हैं, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और वह प्याज का पानी भी जो उबाले थे प्याज, वह पानी भी डालना है। सभी गरम मसाला डाल दीजिए, इसे एक उबाल आने दीजिए। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हमने नॉन वेज वाले जो पनीर बनाए हैं अंडे के, इसको डाल देते हैं। अब 5 मिनट इसे उबलने दीजिए अच्छी तरीक़ा से, यह साइज में बड़ा हो जाएगा उबलने से। इसमें ग्रेवी अच्छे तरीक़ा से पिस जाएगा, पिसने से वह साइज में भी बड़ा हो जाएगा पनीर। देखिए साइज में बड़ा हो गया है उबलने के बाद। यह बनकर अब करीब करीब तैयार है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए बारीक कटा हुआ। देखिए यह बनकर अब तैयार हो गया है, गैस बंद कर दीजिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। रोटी या पराठा के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।